बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नारिफ़ न्यूज़ की खास खास खबरों के साथ मैं हूं ताह। खबर शामिल करते हैं मदी बहाउद्दीन झाज अंसर जावेद की तफसीरात के मुताबिक। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन खोखर ने सहाफ़ियों से तारुफी मीटिंग करते हुए कहा कि पुलिस और मीडिया का चौली दामन का साथ है और मौजूदा दौर में मीडिया की अहमियत को किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सहाफ़ी माशरे से समाज दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए पुलिस का साथ दें, मिलकर माशरे को पुरअमन बनाने के लिए काम करेंगे। वो यहाँ अपनी तैनाती के बाद मीडिया के साथ मुलाकात के दौरान बातचीत कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन खोखर ने कहा कि वो आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं, अब रवायती पॉलिसिंग का दौर नहीं रहा, आवाम का खिदमतगार बनकर काम करेंगे और ज़िला मंडी बहाउद्दीन से कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात की रोकथाम के लिए ठोस बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे। DPO साजिद हुसैन खोखर ने कहा कि सहाफ़ी माशरे की आँख हैं और इनके साथ मिलकर काम करने से पुलिस के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है और समाज दुश्मन अनासर से माशरे को पाक करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके दरवाजे आम और ख़ास के लिए खुले हैं, मेरिट पॉलिसी को यकीनी बनाया जाएगा और बिला तफरीक माशरती बुराइयों के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरवेकार लाए जाएंगे। DPO साजिद हुसैन खोखर ने कहा कि जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस को मजीद फाल किया जा रहा है। अभी 15 की कॉल पर SHO मौका पर खुद पहुंचेगा और किसी भी सहाफ़ी का फ़ोन थानों में ना सुनने वालों को शोकाज नोटिस मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो पुलिस मुलाजमीन दयानतदारी और ईमानदारी से काम करेंगे इनकी हौसला अफजाई की जाएगी और जो लोग जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस पाए गए इनको आनी हाथों से निपटा जाएगा। तफसीलात के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार नए तैनात होने वाले DPO मंडी बहाउद्दीन साजिद हुसैन खोखर ने सहाफ़ियों के साथ तारुफी मीटिंग के लिए। अपडेट के लिए नारिफ़ो न्यूज़ के साथ रहिएगा। आप हमारी खबरें YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।